musulmán, por musulmán, cantar la ilaha illallah, por musulmán, pढ़ने के लिए। लेकिन लोग ये समझते खाली पढ़ लिए काफी है, ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ना है, दिल से मोहब्बत करना है, ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक चलना है, तब जाके आगे मुसलमान बन जाएगा। तो अब ये इस्लाम हमको मिलेगा कहाँ? इस्लाम हमको मिलेगा कुरान के अंदर, इस्लाम हमको मिलेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अंदर। हमको इस्लाम कहाँ से मिला है? कुरान से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से। तो अब कुरान पढ़ेंगे समझ के तो हमको इस्लाम मालूम होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ पढ़ेंगे समझ के तो हमको इस्लाम मालूम होगा। फिर प्रैक्टिकल इस्लाम सहाबा की जमात से, सहाबा की अली है, हसन है, हुसैन है, बला है, औरतों में आयशा है, फातिमा है, हफ्सा है, अम्मा है, ये लोग जैसा इस्लाम पे चले वैसा हमको इस्लाम पे चले। सबसे पहले हम पूरे सहाबा को मोहब्बत करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से मोहब्बत करना है, और किसी को काफिर नहीं कहना है, किसी को जहन्नमी नहीं कहना है, किसी को बुरा नहीं कहना है। जैसे हम बहुत सारे मुसलमान कहते हैं अबू बकर उमर उस्मान को काफिर कहते हैं, जहन्नमी कहते हैं, नहीं, हमें सबसे मोहब्बत करना है और उनके रास्ते पर हमको चलना है। यही इस्लाम है, यही जन्नत में जाने का रास्ता है। इसी पर जो चलेगा वो जन्नत में जाएगा, इसे जो हटेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जहाँ ठीक है नहीं, माफ कीजिएगा, हैदराबाद तेरे किसी काम में मिस कॉल दूंगा तो आप। वैसे आपको कौन सा मुनासिब काम करना? मेरा दो फर्ज, एक बजे आपको यहाँ पर 11 o'clock।